शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आज हम यहाँ फिल्म योगेश्वरी के भाग 8 में स्नान का प्रकरण, पूजा पाठ पद्धति, पूजा पाठ विधान विधि के तहत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आज आपको ये बताएंगे स्नान क्यों आवश्यक है, पूजा पाठ विधान में स्नान कब किया जाना चाहिए, स्नान कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से वो किए जाते हैं। इसके अलावा किसी जल में गंगा जी का आह्वान कैसे किया जाता है और वो जल कैसे गंगा जल बन जाता है, वस्त्रों को धोने का, उनको निचोड़ने का या सुखाने का क्या विधि विधान है, तो जितने भी धर्म में, पूजा पाठ में, विधि विधान में आस्था रखने वाले लोग हैं, आज का यह अंक उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण और अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य है। तो आज हम स्नान प्रकरण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, स्नान के प्रकार और उनके तरीके आप यहाँ पर सुनेंगे, जानेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। स्नान की आवश्यकता। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जप पूजा पाठ आज समस्त कर्मों के योग्य बन जाता है, अतएव प्रातः स्नान की प्रशंसा की जाती है। प्रातः स्नान और ब्राह्म मुहूर्त में किया गया स्नान, ये सर्वोच्च होते हैं। ब्राह्म मुहूर्त का सर्वोच्च स्नान होता है, जो ब्राह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं उससे समस्त सिद्धियाँ, रिद्धियाँ, समृद्धियाँ स्वतः ही मनुष्य को ईश्वरीय कृपाएँ, देवी कृपाएँ प्राप्त होने लगती हैं। 9 छिद्रों वाले अत्यंत मलिन शरीर से दिन रात मल निकलता रहता है, अतः प्रातः काल स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। प्रातः स्नानम प्रशंसन्ति दृष्टा दृष्ट कर्म हि तत् सर्वमर्हति शुद्धात्मा प्रातः स्नाय जपादिकम्। अत्यंत मलिन कायो नवक्षिद्र समन्वितः स्त्रत्वेश दिवारात्रौ प्रातः स्नानम विशोधनम्। शुद्ध तीर्थ में प्रातः काल स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह मलपूर्ण शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। प्रातः काल स्नान करने वाले के पास दुष्ट आत्माएं और भूत प्रेत आदि नहीं आते। इसी प्रकार दृष्ट फल शरीर की स्वच्छता और अदृष्ट फल पाप का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति, ये दोनों प्रकार के फल मिलते हैं, अतः प्रातः स्नान करना चाहिए। प्रातः स्नानम चरित्वात शुद्धे तीर्थे विशेषतः प्रातः स्नान अध्यत शुद्धियेत कायो अयम मलिन सदा नोपसर्पन्ति वै दुष्टा प्रातः स्नाय जनम क्वचित और दृष्टा दृष्ट फलम तस्मात् प्रातः स्नानम समाचरेत। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा, ये 10 गुण स्नान करने वालों को प्राप्त होते हैं। क्या क्या? रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा। गुणादश स्नान परस्य साधो रूपम च तेजस्य बलम च शौचम। आयुष्य आरोग्य
मलोलुप्तम दुस्वप्न नाशस्य तपस्य मेधा। तो वेद और स्मृति में कहे गए समस्त कार्य स्नान मूलक हैं, अतः लक्ष्मी पुष्टि एवं आरोग्य की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को स्नान सदैव करना चाहिए। स्नान मूला क्रिया सर्वा श्रुति स्मृत्यादि नरणाम तस्माद स्नान निषेवेत श्री पुष्टि आरोग्य वर्धनम। अब स्नान के भेद हैं, ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको ये अवश्य जानना चाहिए। जो भी पूजा पाठ वाले या भक्ति से संबंधित जो लोग हैं, तो स्नान के जो भेद हैं वो ये हैं, मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान। ये सात प्रकार के स्नान होते हैं। आप अभी केवल एक ही प्रकार का स्नान जानते होंगे, पानी से नहा लो, साबुन से नहा लो, अब हो गया स्नान। नहीं, आप शास्त्र और ग्रंथ की आज्ञा सुनिए। आप ये सात प्रकार के स्नान हैं, मंत्र स्नान, भौम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानसिक स्नान। ये सात प्रकार के स्नान होते हैं। आपोहिष्ठा जो मंत्र है वैदिक है, इस मंत्र से मार्जन करना ये मंत्र स्नान कहलाता है। और समस्त शरीर में मिट्टी लगाना ये भौम स्नान कहलाता है। और भस्म लगाना ये अग्नि स्नान कहलाता है। गाय के खुर की धूल लगाना ये वायव्य स्नान कहलाता है। और सूर्य की किरण में वर्षा के जल से स्नान, यानी जब सूरज निकल रहा हो और बारिश हो रही हो, यानी धूप में बारिश जो होती है, तो सूर्य की किरण में वर्षा के जल से स्नान करना ये दिव्य स्नान कहलाता है। और जल में डुबकी लगाकर स्नान करना ये वारुण स्नान कहलाता है। और आत्मचिंतन व आत्मिक शुद्धि करना ये मानसिक स्नान कहा जाता है। ये सात प्रकार के स्नान हैं। इसका जो है श्लोक, उसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ। मांत्रम भौमम तथाग्नेयम वायव्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानान्यं क्रमात् आपोहिष्टादि मंत्रम मृदालंभस्तु पार्थिवम आग्नेयम भस्मना स्नानम वायव्यम गोरजः स्मृतम यत्तु सातपवर्षेण स्नानम तद दिव्यमुच्यते अवगाहो वारुणम स्यात् मानसम व्यात्मचिंतनम। ये सात प्रकार के स्नान हैं। और जो मैंने बता दिया कि आप एक ही प्रकार का स्नान करके ये न समझ लें कि आपने स्नान कर लिया। स्नान में असमर्थ होने पर सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए, अथवा गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ लेना भी एक प्रकार का स्नान कहा गया है। तो स्नान का जो एक मुहूर्त या नियम है वो ये है, उषा की लाली से पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है। उषः कालस्तु लोहितायद गुणलक्षित कालात् प्राक् कालः, इससे प्रजापात्य का फल प्राप्त होता है। ऊषस्योष यत स्नानम नित्यमेवा अरुणोदये प्रजापात्येन तत्तुल्यम महापातक नाशनम। तेल लगाकर तथा देह को मल मलकर नदी में नहाना मना है। तेल लगाकर तथा देह को मल मलकर नदी में नहाना मना है। अतः नदी से बाहर तट पर ही देह और हाथ मलकर नहा लें, उसके बाद नदी में गोता लगाएं। शास्त्रों ने इसे मलापकर्षण स्नान कहा है। यह अमंत्रक होता है,
यानी इसका मंत्र नहीं होता। यह स्नान स्वास्थ्य और शुचिता दोनों के लिए आवश्यक है। देह में मल रह जाने से शुचिता में कमी आ जाती है और रोम छिद्रों के न खुलने से स्वास्थ्य में भी अवरोध हो जाता है। इसलिए मोटे कपड़े से प्रत्येक अंग को खूब रगड़ रगड़ कर तट पर नहा लेना चाहिए और निवीति होकर बेसन आदि से यज्ञोपवीत को तथा शरीर के मुख्य भागों को रगड़ करके साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद शिखा बांधकर दोनों हाथों में कुश की पवित्रियां पहनकर आचमन आदि से शुद्ध होकर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प जो पहले बताया वो करना चाहिए। संकल्प के पश्चात अब जो मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं मैं, उसको पढ़कर या सुनकर सभी अंगों में मिट्टी लगाना चाहिए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्य के हर मे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। इसके पश्चात गंगा जी की उन उक्तियों को बोलना चाहिए जिसमें उन्होंने कह रखा है कि स्नान करते समय जो जो भी जहां जहां कहीं कहीं भी मेरा कोई भी स्मरण करेगा वहां के जल में मैं आ जाऊंगी। यानी कि अगर इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तो जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जी स्वयं आ जाती हैं। ये गंगा जी ने स्वयं कहा है। नंदिनी नलिनी सीता मालती च महापगा विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी भागीरथी भोगवती जानवी त्रिदशेश्वरी द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये स्नानोद्यत्त स्मरेन्नित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम्। ये श्लोक है। इसका उच्चारण करते ही जिस भी जल से स्नान किया जाता है, जहाँ भी आप स्नान कर रहे हो वो गंगा जल में बदल जाता है या उसमें गंगा जल गंगा जी स्वयं प्रकट हो जाती आ जाती हैं, ऐसा गंगा जी ने कहा है। अब जल की सापेक्ष में श्रेष्ठताएं क्या हैं उसको सुनिए। कुएं से निकाले हुए जल से झरने का जल और झरने के जल से सरोवर का जल और सरोवर के जल से नदी का जल और नदी के जल से तीर्थ का जल और तीर्थ के जल से गंगा जी का जल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। आप ये ध्यान रखें कि साधारण कुएं का जो वो है पानी या बावली बावरी बावरी होती हैं या बावली बोलते हैं कुछ जगह उनको, बावड़ी बोलते हैं कुछ जगह, आदि के जल में गंगा जी का ये आह्वान करना बहुत आवश्यक है। अन्य पवित्र नदियों के भी जल में अगर आप स्नान कर रहे हों तो यह आह्वान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण में ये वचन है, स्नान काले अन्य तीर्थेशु जप्यते जानवी जनए बिना विष्णुपदीं कान्यत समर्था व्यग सुशोधने। यानी वहां पर दूसरे तीर्थ में भी कहीं भी या किसी और नदी में या सरोवर कहीं भी नहा रहे हो गंगा जी का आह्वान करना आवश्यक है। अब जहां धोबी का शिलापट रखा हो और कपड़ा धोते समय जहां तक छींटे पड़ते हो वहां तक का जल स्थान अपवित्र माना जाता है, यानी वहां तक के जल में आप स्नान न करें। कहाँ? जहां धोबी का शिलापट रखा हो और कपड़ा धोते समय जहां तक उसके छींटे पड़ते हों वहां तक का जल स्थान अपवित्र माना जाता है। इसमें श्लोक है, वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जल बिंदव तद पुण्यम जल स्थानम रजकस्य शिलांकितम। इतना स्थान छोड़ करके इसके पश्चात नाभि पर्यंत जल में जा करके यानी नाभि तक जल में पहुंचना चाहिए। जल की ऊपरी सतह हटाकर और नाक बंद कर प्रवाह की ओर या फिर सूर्य की ओर
मुख करके स्नान करें, 3, 5, 7 या 12 डुबकियां लगाएं, और डुबकी लगाने के पहले शिखा खोल लें। तो शिखा तो अब बहुत कम लोगों की होती है, शिखा चोटी वाले लोग बहुत कम रह गए, लेकिन अगर है तो उसे खोल लें, और स्त्रियां हैं तो वो भी अपनी जूड़ा खोल दें, शिखा खोल दें। गंगा के जल में वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए, गंगा के जल में कभी भी वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए। जल में मल मूत्र त्यागना और थूकना ये वर्जित है, निषिद्ध है, अनुचित है। या शौच काल का वस्त्र पहनकर तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध है। तो ये बहुत मुख्य बातें हैं स्नान से संबंधित। इसके बाद में तो चूंकि तर्पण की क्रिया है तो वो निकल चुका श्राद्ध पक्ष, तो अब उसके लिए उनका उल्लेख करने के बजाय अपन सीधा आगे की विधियों पर चलते हैं। वस्त्र धारण की जो विधि है, गीले वस्त्र को नदी के तट पर से नीचे से उतारना चाहिए, किंतु घर पर ऊपर से, और उतारे वस्त्र को चौगुना करके निचोड़ें। इसे बाईं ओर रखकर जल से बाहर 2 बार आचमन करें, और निचोड़े हुए वस्त्र को कंधे पर रखना मना है। पूर्व दिशा से प्रारंभ कर पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर वस्त्र फैलाना चाहिए, इसके विपरीत फैलाने से वस्त्र अशुद्ध हो जाता है और उसका फिर से धोना आवश्यक हो जाता है। जल में सूखे वस्त्र से और स्थल में गीले वस्त्र से पूजा निषिद्ध है। वस्त्र जल में न निचोड़ें। धोती इस प्रकार पहननी चाहिए कि इसमें 3 कच्छ यानी लांगे लगाए जा सकें, और 1 लांग पीछे की ओर लगाई जाती है, 2 नाभि के पास, और 3 इससे बाईं ओर। उत्तरीय चादर या गमछा अवश्य धारण करें।